वेटलैंड जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इकोसिस्टम का क्योंकि ये नेचर में बैलेंस बनाने में इनका बड़ा रोल है ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं गंदा पानी होता है उसको फिल्टर करते हैं और इनको हम आ, अपने इकोसिस्टम के किडनीज मानते हैं तो इस तरह से इनकी इम्पॉर्टेंस समझते हुए जो एग्रीमेंट हुआ दो फरवरी को उन्नीस को उसको याद करते हुए यू में ये फैसला लिया गया कि उन्नीस सौ सतानवे से ऑनवर्ड्स हर साल दो फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाएगा वेटलैंड वो जमीन होती है जिसमें वो हमेशा पानी में है, थोड़ी मतलब पानी में डूबी रहती है एक वेटलैंड यहाँ पे घराना है हमारी जो सूंसर मानसर लेक है उनको भी हम वेटलैंड मानते हैं हेल्दी लाइफ के लिए नेचर नेचर इकोसिस्टम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वेटलैंड इन सबको हमको बचाना है ताकि ये नेचर जो भगवान ने बैलेंस बनाया हुआ है इसका ये बैलेंस बना रहे और हम सब हेल्दी लाइफ जो है इस पृथ्वी पे गुजारें दो फरवरी उन्नीस को जो देश ईरान है उसका एक शहर है रामसर जी तो वहाँ पर उस समय पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के साइंटिस्ट जो इन्वामेंटलिस्ट जो इकट्ठे हुए उसमें हमारे जो इंडिया के भी थे और वहाँ पे एक सारी गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीटी साइन की गई उसमें ये हुआ कि हमने वेटलैंड्स को बचाना है क्योंकि वेटलैंड जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इकोसिस्टम का क्योंकि ये नेचर में बैलेंस बनाने में इनका बड़ा रोल है ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं जो अपना पानी गंदा पानी होता है उसको फिल्टर करते हैं और इनको हम अपने इकोसिस्टम के किडनीज़ मानते हैं तो इस तरह से इनकी इम्पॉर्टेंस समझते हुए जो अग्रीमेंट हुआ दो फरवरी को उन्नीस को उसको याद करते हुए यू में ये फैसला लिया गया कि उन्नीस से ऑनवर्ड्स हर साल दो फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाएगा और इसी संदर्भ में जो है ये प्रोग्राम जो है पूरे दुनिया में मनाया जाता है हमारे देश में मनाया जाता है हमारे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है सुरेश जी जम्मू में वेटलैंड कहाँ पे है देखिए वेटलैंड वो ज़मीन होती है जिसमें वो हमेशा पानी में है, थोड़ी मतलब पानी में डूबी रहती है जो में पानी रहता है उसके ऊपर चाहे वो शैलो हो या डीप हो और या थोड़ी दलदल वाली हो तो आप देखेंगे हमारा एक वेटलैंड यहाँ पे घराना है ठीक है जो हमारे आर के पास पारास है हमारी जो सुरईंसर मानसर लेक्स है उनको भी हम वेटलैंड मानते हैं इसी तरह के बहुत सारी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे हमारी सन्नासर में एक लेक है छोटी सी उसको भी वेटलैंड मानते हैं कुछ रिवराइन वेटलैंड्स हैं हमारा जैसे कुकरिया का है परगवाल का है इनको वेटलैंड्स मानते हैं नंगा है तो ये सारी हमारी जो वाटर होल्डिंग जो एरियाज़ है इनको हम वेटलैंड्स मानते हैं ये बर्ड्स कहाँ कहाँ किस किस कंट्रीज से आते हैं वेटलैंड को इस जो जहाँ पे ये बैठते हैं देखिए ऐसा है कि जो वेटलैंड्स हैं इनमें नॉर्मली हम तीन तरह के बर्ड्स को मानते हैं एक तो रेजिडेंट बर्ड होते हैं जो हमेशा वहाँ रहते हैं कुछ ऐसी किस्में परिंदों की होती हैं जो हमेशा हमेशा उसी एरिया में रहती हैं दूसरी माइग्रेटरी होती हैं जो वहाँ सीजन में आती हैं और वो मैक्सिमम जो होती हैं वो हमारे यहाँ विंटर में आती हैं तो विंटर में जो आते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं कुछ हम उनको वैग्रेंट स्पीशीज़ कहते हैं वो क्या होता है कि कई बार वो एक दूसरी जगह जा रहे होते हैं दूसरे ग्रुप के साथ आ जाते हैं उनको वेग्रेंट बोलते हैं तो वो भी ऐसे कई बार देखने में मिल जाते हैं तो माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं उनकी वजह से हमारे वेटलैंड्स में हमारा जो विंटर होता है हमारा जो सर्दियों का मौसम होता है उससे बड़ी रौनक होती है ये वापस कब जाते हैं जब वेटलैंड में जब इनका वापसी जाने का क्या इनका देखिए ये नॉर्मली हमारे यहाँ समझ लीजिए कि नवंबर में आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जनवरी फरवरी में ये मैक्सिमम होते हैं और फिर मार्च एंड तक ये वापस अपने जो इलाके हैं जहाँ इनको गर्मियाँ गुजारनी होती है वहाँ चले जाते हैं जम्मू में आपने बात की है घराने की आरसपोर की आ, किस किस्म का मैनेजमेंट वहाँ पे हो रहा है आ, जो डिपार्टमेंट इसको देख रहा है देखिए घराना जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत एक कंजर्वेशन रिज़र्व है नोटिफाई सरकार ने इसको कंजर्वेशन रिज़र्व नोटिफाई किया है और वो एक वेटलैंड है और वो जो है एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है वहाँ पे हर साल जो है माइग्रेटरी बर्ड सेंट्रल एशिया से आते हैं और आप देखेंगे कि जो एक कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जैसे हेडेड गीज़ है पूरी दुनिया में आप सबसे पास से अगर देखना है तो आप घराना में ही देख सकते हैं तो डिपार्टमेंट ने घराना की जो है रेस्टोरेशन के लिए और उसमें जो डेवलपमेंट है उसके लिए एक काफ़ी एक प्रोग्राम बनाया उसका मैंने मेल प्लान बनाया है और उसके तहत जो है पूरे घराना वेटलैंड में जो काफ़ी छोटा हो गया था उसमें अंदर गंदगी और वो जो सिल्टिंग और डी वीडिंग की वजह से तो उसमें डी सिल्टिंग कर रहा है डिपार्टमेंट डी वीडिंग कर रहा है वाटर बॉडी जो थी उसको ओरिजिनल जो है उसकी शेप, शेप और साइज़ में रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है प्लस विजिटर्स के लिए वहाँ आप देखेंगे अप्रोच नहीं थी तो एक नया इंडिपेंडेंट रोड जो है एक साइड पे बना रहे हैं पार्किंग जो विजिटर्स के लिए बना रहे हैं उनके बैठने के लिए जगह पार्क वगैरह वो डिपार्टमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक साल के अंदर घराना आपका एक अच्छा स्पॉट बन जाएगा पिकनिक स्पॉट बन जाएगा लोग वहाँ जाएंगे बर्ड वाचिंग भी करेंगे पिकनिक भी मनाएंगे और पास ही सुचेतगढ़ जो हमारी बॉर्डर पोस्ट है वहाँ तीन किलोमीटर है और वहाँ पर जाके बॉर्डर टूरिज्म भी उसके साथ जुड़ जाएगा वेटलैंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे क्या है देखिए वेटलैंड मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो वेटलैंड के रहने वाले हैं वहाँ पे जो परिंदे हैं ठीक है उनको वहाँ क्या ज़रूरत है ठीक है जी। उनको पानी कितना चाहिए उनका रहन सहन उनका रहन सहन उनको हैबिटेट कैसी चाहिए वहाँ पे कौन सी वहाँ पे जो है स्पीशीज़ रखनी है अपनी जो प्लांट्स की जिनके वो जिनको मैं अंडे देते हैं है, या उनमें उनके बच्चे होते हैं और वहाँ पे जो है वीड आ जाते हैं उनको रिमूव करना है सिल्ट आ जाती है उसको रिमूव करना है जब वहाँ फीड की कमी लगती है तो हमको वहाँ फ़ीड डालनी है उनके लिए चाहे हम उसमें सीड्स वगैरह डालते हैं ग्रेन्स डालते हैं जो कई जगहों पे फिश की सीडलिंग जो फिंगर लिंग्स होती हैं वो भी डालते हैं उसके बाद वहाँ पर जो प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं ताकि कोई पोचिंग वगैरह ना करे कोई किसी का उनको नुकसान ना पड़ाए परचेज परचेज लगाने पड़ते हैं ताकि वो जो कुछ ऐसे हैं जो ऊंचे परचेज़ पे बैठते हैं मतलब ऊंची जगह पे बैठते हैं ताकि वो बर्ड्स उनको बैठने के लिए भी जगह हो तो उनके जो बैठने का उनका जो घर में उनको जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है उसके इंतज़ाम करना जो उसको मैनेजमेंट कहते हैं जो वटलैंड बर्ड्स या वटलैंड को प्यार करते हैं क्या कहना चाहते हैं उनके लिए कितना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए देखिए ऐसा है वटलैंड एक ऐसा इको है इसको हम ट्रांजिटरी इको भी बोल सकते हैं इकोटोन भी बोल सकते हैं क्योंकि जो डीप वाटर की बॉडीज़ होती हैं और लैंड जो होती है जो हमारा खुश्क ज़मीनी सिस्टम होता है उन दोनों के बीच का है ये यानी कि वो ज़मीन जिसमें थोड़ा पानी हो तो उसमें क्या होता है ज़मीन भी होती है पानी भी होता है तो उसमें क्या होता है प्लांट की स्पीशीज़ भी बड़ी होती हैं और उसमें बर्ड्स की फ़िश की और जो फ्राग हैं इनकी स्पीशीज़ भी बड़ी होती हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये ऊपर वाले की एक नेमत है एक देन है पता नहीं कौन सी चीज़ अब में कहाँ काम आएगी किस तरह से उसका हमें फ़ायदा मिलेगा किस प्रोडक्ट में किस तरह से और दूसरा नेचर का जो इकोसिस्टम बना रखने में इसका बड़ा रोल है जो आजकल हम क्लाइमेट चेंज की ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं उन चीज़ों को रोकने के लिए और बैलेंस बनाए रखने के लिए ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इसलिए वेट को हम किडनीज ऑफ नेचर भी बोलते हैं जी जाते जाते हम बात करेंगे कि किस किस्म की इनको हमें प्यार देना चाहिए किस किस्म का हमें इन परिंदों को स्वागत करना चाहिए ताकि हम इंसान जो है वो नेचर को प्यार करता है और नेचर इंसान से प्यार करता है क्या कहना चाहते हैं इसके में देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें नेचर और परिंदे नेचर का पार्ट हैं उनको हमें प्यार करना चाहिए क्योंकि हम सब इस प्रकृति के ही हिस्सा हैं हम उसी की पैदावार हैं ठीक है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इंसान को यहाँ रहना है इनका भी पूरा हक है और जब हम इनको भी प्यार करेंगे ये हमारा सारा सिस्टम बैलेंस रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जब नेचर अच्छी होगी साफ़ सुथरी होगी तो ज़िंदगी भी अच्छी साफ़ सुथरी हेल्दी होगी तो हेल्दी लाइफ के लिए नेचर नेचर इकोसिस्टम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वेटलैंड इन सबको हमको बचाना है ताकि ये नेचर जो भगवान ने बैलेंस बनाया हुआ है इसका ये बैलेंस बना रहे और हम सब हेल्दी लाइफ जो है इस पृथ्वी पर गुजारें